यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों, अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें आपने पिछली क्लास तक यूनिट्स पढ़ लिया, डायमेंशंस पढ़ लिए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस करवा दिए आपको। आपको लास्ट में क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको पूछा था सी कहाँ पुट करें। आपने करा होगा कोशिश, और जिनों के आंसर आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दो चीज़ें दे रखी थी आपको राइट हैंड साइड में। तो डाउन साइड में आपको वी स्क्वायर दे रखा था, उसके नीचे अगर आप सी स्क्वायर पुट कर दें तो मास की यूनिट दोनों जगह बराबर हो जाएगी। तो कहाँ पुट करना है सी स्क्वायर? बिलो द वी स्क्वायर, वो था आंसर। अब आज की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंसेस को, लेंथ को मेज़र करने के मेथड। लेंथ को कैसे मेज़र करें? देखो, लेंथ को दो तरह से मेज़र कर सकते हैं। डायरेक्टली अपने पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डायरेक्टली लेंथ में माप सकते हैं आप। कॉपी में आपने कोई मार्क करा, पेंसिल से कुछ खींचा आपने, तो उसकी लेंथ आप नाप रहे हो, तो मीटर आपके पास स्केल है ना, उसे नाप लेते हो। कोई प्लॉट की लेंथ नापनी है, ब्रेथ नापनी है, तो मीटर स्केल होती है लंबी, उससे नाप लेते हैं, ठीक है ना। तो डिस्टेंस को नापने के लिए मीटर स्केल है आपके पास। और भी कुछ चीज़ें जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और भी डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से आप डिस्टेंस नाप सकते हो, लेंथ नाप सकते हो। एक इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनकी मदद से आप लेंथ नाप सकते हो। तो किस तरह से नाप सकते हो? तो रेंज तो पता होनी चाहिए आपको। तो दो मेथड हैं लेंथ नापने के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप इजीली नाप पाओगे तो उसे डायरेक्ट मेथड कहेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुछ फॉर्मूलेज लगा के निकालोगे तो इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट काम लो, निकाल लो। तो कोई रेंज होनी चाहिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक की रेंज होगी तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की होगी तो इनडायरेक्ट करेंगे। हाँ, है रेंज। तो अगर आपको डिस्टेंस नापना है 10^-5 मीटर से 10^2 मीटर, इस रेंज का कोई डिस्टेंस नापना है, यहाँ से यहाँ तक की कोई भी रेंज का डिस्टेंस आ जाए, तो उसके लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो नाप लो। अगर आपको डिस्टेंस मेज़र करना है 10^-3 मीटर से 10^2 मीटर तक का, तो मीटर स्केल्स बनी हुई है इसको नापने की, आराम से मीटर स्केल लो और नाप लो ये डिस्टेंस। अगर आपको इससे छोटी रेंज पता करनी है, छोटी रेंज का डिस्टेंस पता करना है, बोले कि 10^-4 ऑर्डर मीटर का डिस्टेंस नापो, तो कैसे नापोगे? ये मीटर स्केल तो नहीं नाप पाएगी, उसके पास तो इतना कैलिब्रेशन नहीं है, इससे छोटे छोटे मार्क नहीं है कि नाप ले। तो यहाँ तक के डिस्टेंस को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, उसका नाम है वर्नियर कैलिपर, उस इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। अच्छा, और छोटा डिस्टेंस नापना हो, 10^-5 मीटर ऑर्डर का नापना हो, ऑर्डर मतलब पिछली क्लास में सिखा रखा है, पिछले लेक्चर्स आप अच्छे से देखना, उसमें मैंने ऑर्डर का मतलब सिखा रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछ रखे हैं ऑर्डर के, ठीक है ना, मैंने तरीका बता रखा है ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो इस ऑर्डर का अगर आपको डिस्टेंस नापना है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है अपने पास उसे बोलते हैं स्क्रू गेज। ये सब इंस्ट्रूमेंट अपनी लेबोरेटरी में होते हैं, जो अपना स्कूल खुलेगा तो आपको लेबोरेटरी में ले जाएंगे, इनसे प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे, इनसे आप मेज़र कर सकते हैं बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस, ठीक है। आपको हेयर की थिकनेस नापनी है, नाप सकते हो। आपको ऑल पिन की थिकनेस नापनी है, नाप सकते हो। बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस आप आराम से नाप सकते हो, है अपने पास इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्टली अपन नाप सकते हैं, कोई फार्मूला नहीं लगाना, डायरेक्ट यूज़ करो नापो। इनके अंदर कैलिब्रेशन होता है, मार्किंग होती है, उससे मेज़र हो जाता है, ठीक है। और इससे भी छोटा डिस्टेंस नापने की एक और इंस्ट्रूमेंट है अपने पास, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 10^-7 मीटर ऑर्डर तक के डिस्टेंस नाप सकते हैं, इतने छोटे डिस्टेंस भी नाप सकता है। 10^-7 मीटर इस ऑर्डर के भी कोई डिस्टेंस होंगे, दो पार्टिकल के बीच में इतना डिस्टेंस भी होगा, उसको भी नाप लेगा। उसको मेजर करने की डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये सारे मैंने जो बताए हैं वो डायरेक्ट मेथड है। आपके अगर डिस्टेंस की रेंज 10^-5 मीटर से 10^2 मीटर तक की है, तो आप ये मेथड अप्लाई करें। अपने पास इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे ये रेंज निकाल सकते हैं, ये अपन डिस्टेंस नाप सकते हैं। मैंने क्या बताया, मीटर स्केल 10^-3 मीटर से 10^2 मीटर तक की कोई भी डिस्टेंस नाप सकती है, उसके लिए अलग अलग जितने स्केल्स बना रखी है।
वर्नियर कैलिपर क्या नाप सकता है, 10^-4 ऑर्डर मीटर के डिस्टेंस, और इससे छोटे डिस्टेंस के लिए स्क्रू गेज। अब इससे बड़े डिस्टेंस हुए तो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस हुआ, तो ओशन की डेप्थ हुई, तो दुश्मन देश का प्लेन आ गया अपनी बाउंड्री के अंदर, वो डिस्टेंस मेज़र करना है कि अभी कहाँ पर है वो, कितने अंदर तक आ गया वो पता करना है। कैसे पता करेंगे, वहाँ मीटर स्केल लेके नहीं जा सकते, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इतने लंबे डिस्टेंस आपको कोई बहुत बड़े टावर की हाइट नापनी है तो कैसे नापोगे, इन स्टेप लेके थोड़ी ना जाओगे ऊपर तक, इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली नहीं नाप सकते, इंस्ट्रूमेंट नहीं अपने पास ऐसे कि वहाँ तक लेके पहुँचे अपन, इनडायरेक्ट तरीके हैं ना नापो ना, क्यों फालतू मेहनत कर रहे हो। तो इनडायरेक्ट तरीके में एक है सोनार मेथड, नाम सुना होगा सोनार, 9th में आता था सोनार, पूरा नाम बताया ना तुम्हें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये पूरा नाम है सोनार का। अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, 3 तरह के साउंड पता है ना तुम्हें, इंफ्रासोनिक जिसकी फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज़ हो, सोनिक जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 to 20,000 हर्ट्ज़ हो, और मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ वाली साउंड को क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। उसका यूज़ अपन डिस्टेंस मेज़र करने में कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था सोनार इंस्ट्रूमेंट समुद्र की गहराई ओशन की डेप्थ नापने के काम आता है। उसमें एक ट्रांसमीटर लगा हुआ रहता है, शिप में एक रिसीवर लगा हुआ रहता है, ये पूरा सोनार इंस्ट्रूमेंट है। ये अल्ट्रासाउंड इमिट करेगा, ओशन की बेड से टकराएगी साउंड, रिफ्लेक्ट होके रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीवर बता देगा कितनी देर में साउंड उसने रिसीव करी इमिट होने के। अगर टाइम पता चल गया तो अपन आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालें, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम बाय 2। ये बाय 2 क्यों लिख दिया, डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम ही होता है, बाय 2 क्यों लिखा, तो बाय 2 इसलिए लिखा कि भाई टाइम तो ये पूरा मेज़र हुआ है ना, अपने को तो यहाँ तक का ही चाहिए लेंथ, तो यहाँ तक का ही टाइम काम आएगा ना, ये पूरा क्यों ले काम, पूरा टाइम काम क्यों ले, अपन को तो आधा ही टाइम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो नापना है, वो तो वापस टकरा के लौटी, अपन को तो यहाँ तक का ही पता करना, यहाँ तक का टाइम चाहिए रहेगा, तो टाइम को डिवाइड बाई 2 कर दिया। समझ में आ गया होगा, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इसके, लेकिन यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अच्छा, एक तरीका और है लेज़र मेथड। लेज़र लाइट तो आपने देखी ही होगी, बहुत पावरफुल बीम निकलती है, एक डायरेक्शन में निकलती है, बहुत एम्पलीफाई होती है, बहुत एनर्जी होती है उसमें, लेज़र लाइट। 12th क्लास में जाओगे तो उसके बारे में पढ़ोगे आप, लेज़र लाइट तो बहुत पावरफुल बीम निकलती है लाइट की, उसे लेज़र, उससे भी अपन निकाल सकते डिस्टेंस। जैसे यहाँ से मून का डिस्टेंस निकालना है, पावरफुल बीम डाली लेज़र लाइट की, टकराई उसकी सरफेस से, वापस आई, डिटेक्टर ने डिटेक्ट करा भाई कितनी देर में आई। अब डिस्टेंस किस निकाले, फॉर्मूला तो वही लगाना पड़ेगा ना, स्पीड इंटू टाइम बाय 2। यहाँ पे सी लिख दिया, लाइट की स्पीड को सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। वापस बाय 2 क्यों करा आखिर, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी काम आई ना, वो तो यूँ टकरा के वापस आई, ये पूरा टाइम नोट हुआ है, अपन को तो यहाँ तक का ही टाइम चाहिए, तभी तो यहाँ तक का ही डिस्टेंस पता चलेगा। चलो और देखते हैं, और कैसे अपन इनडायरेक्टली नाप सकते हैं। एक होता है रेडार मेथड। अच्छा, ये फुल फॉर्म भी ध्यान होनी चाहिए सोनार की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अल्ट्रासाउंड नेविगेट कर रही है और रेंज पता कर रही है। लेज़र की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट का एम्प्लीफिकेशन हुआ बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस निकली और लाइट जा रही है एक डायरेक्शन में, ये लेज़र की फुल फॉर्म है। अच्छा, रेडार, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो की मदद से डिटेक्ट करा, फुल फॉर्म याद रखना ये, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव काम आती है, बहुत सारी तरह की वेव्स होती है, माइक्रोवेव, एक्सरे, अल्ट्रासोनिक, तो साउंड आपने सुना ही होगा, वो तो साउंड वेव है, लेकिन रेज भी अलग अलग तरह की होती है, विजिबल लाइट सन से आती है, गामा रेज,
बहुत सारे तरीके रेंज है। ट्वेल्थ में 8 चैप्टर आएगा जिसमें इन्हीं के बारे में पढ़ूंगा, ट्वेल्थ क्लास में आएगा लेकिन वो, ठीक है ना। तो अभी रेडियो वेव भी काम आती है, रेडियो वेव का भी यूज़ लेते हैं क्या, डिस्टेंस नापने के लिए। दुश्मन का शिप आ गया तो रेडार ने फटाफट बता दिया हाँ भाई इतनी दूरी पर है, अब ये रेडियो वेव जाके उससे टकरा रही है और आ रही है। और डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज़ लेंगे, वही स्पीड इंटू टाइम बाय टू। टाइम बाय टू क्यों करा, सभी में क्यों करना है, सभी में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, टकरा के वापस आ रही है तो टाइम तो डबल हो गया ना, अपन को तो यहाँ तक का ही चाहिए तो यहाँ तक का ही टाइम देना पड़ेगा, 50/2। तो तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एक में लेज़र लाइट काम ले रहे हैं, एक में अल्ट्रासाउंड काम ले रहे हैं, एक में और कम डिस्टेंस नापना तो रेडार काम ले लिया, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ काम ले रहे हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन से भी अपन डिस्टेंस पता कर सकते हैं। जैसे टावर की हाइट पता करनी है, मैक्स में करते हो आप, वो हाइट पता करनी है और वो एंगल पता है, एंगल पता कर सकते हैं, अपने पास इंस्ट्रूमेंट है डी है उसकी मदद से कर सकते हैं एंगल पता, कर सकते हैं अपन आराम से एंगल पता। तो अगर वो टॉप को देखेंगे और ये एंगल थीटा बन रहा है तो परपेंडिकुलर आराम से निकाल लोगे, अगर बेस निकाल सकते हो तो अभी ये मेथड काम आ जाएगा आपके इजीली। ये बेस अगर इजीली नोन है तो परपेंडिकुलर अब कितना भी लंबा आराम से निकाल लोगे, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस थीटा, अगर पता है आपको बेस पता है तो परपेंडिकुलर नहीं निकाल लोगे, निकल ही जाएगा ना, परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, बेस इंटू टेन थीटा। अच्छा, अब जैसे सिचुएशन ऐसी आ जाए, ये हाइट पता करनी है और ये एक पॉइंट और ये दो पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ से एंगल थीटा वन बन रहा है और यहाँ से एंगल थीटा टू बन रहा है, बोला ये इस पॉइंट तक का डिस्टेंस एक्स है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, तो एक डायरेक्ट फार्मूला याद करना है आपको, ये हाइट क्या होगी, डी अपॉन कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन, याद तो रखना ही है ये फार्मूला, लेकिन आया कैसे इसको भी करना है, कैसे आया है फार्मूला। कॉट थीटा वन निकाल लो पहले, जैसे टेन होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे कॉट थीटा निकाल लो। ये हिंट दे रहा हूँ तुम लोग को सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचना है, हिंट में मैंने क्या बताया, पहले कॉट थीटा वन निकाल लो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा टू निकाल लो बेस एक्स प्लस डी अपॉन परपेंडिकुलर। अब एक काम करना, यहाँ तक पहुँचने के लिए एक हिंट दे रहा हूँ, ये करना है अभी करके देखना, पूरा आंसर आना चाहिए, कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन करो और एक इक्वेशन जो बने उसको सॉल्व करना, तो यहाँ तक तुम पहुँच जाओगे। जब न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा का ऐसा दूंगा मैं क्वेश्चन, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, ज़्यादा मेहनत मत करो, एच इक्वल्स टू डी अपॉन कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। चलो देखो इसको अच्छे से, ध्यान से पूरा बोर्ड अच्छे से तुम देखो, समझो अच्छे से क्या लिखा हुआ, एक एक चीज़ को रीड करो बढ़िया ढंग से। मैंने सारे बता दिए हैं, दो तरीके लेंथ नापने के बताए हैं, डायरेक्ट मेथड तो सारे ही बता दिए, इनडायरेक्ट में मैंने अभी तक चार बताए हैं, सोनार, लेज़र, रेडार, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। शुरुआत के तीन में तो वही एक ही प्रिंसिपल लग रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला लग रहे हैं, और तो क्या है, सभी से लेंथ नाप रहे हैं। फुल फॉर्म याद रखना सोनार की, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, लेज़र की याद रखनी है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, रेडार की याद रखना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड याद रखना है, मेथड तो क्या याद रखना है, तो आसान सा है बस, ये फार्मूला तो जरूर तुम्हें डिराइव करके देखना ही है, हिंट भी दे रखे है, दो इक्वेशन दे रखी है, इसमें से इसको माइनस करके देखो यहाँ तक पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे, ठीक है, अच्छे से देखो, एक एक लाइन को रीड करो, ये सोनार मेथड यहाँ बता रखें, तो जो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर हो जाए डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्टली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं अपने पास मेजर करने के लिए लेंथ, उनका किसी चीज़ का यूज़ लेते हुए लेंथ पता करिए, वो है इनडायरेक्ट मेथड, देख लो जो अच्छे से।